हुमा कुरैशी बॉलीवुड फिल्मों में दी अपनी दमदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं। एक्ट्रेस ने अब तक कई फिल्मों में काम किया है। उनके हर किरदार को फैंस पसंद करते हैं, लेकिन फिल्म बदलापुर में हुमा की एक्टिंग ने सभी का दिल जीत लिया था। ये फिल्म सुपरहिट थी, वहीं छोटे रोल में ही सही, लेकिन हुमा की जबरदस्त परफॉर्मेंस ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। अब इसी फिल्म को लेकर एक्ट्रेस ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। आपको बता दें, इस फिल्म में उन्होंने वरुण धवन और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम किया था। बदलापुर में वो एक सेक्स वर्कर के किरदार में नजर आई थी। वहीं अब हुमा कुरैशी ने बताया है कि इस फिल्म में रेप सीन शूट करने के बाद उनकी क्या हालत थी, एक्ट्रेस कैसा महसूस कर रही थी। इसके अलावा हुमा ने ये भी बताया है कि उन्होंने सेक्स वर्कर का रोल करने का फैसला क्यों किया। मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने कहा, मैंने बदलापुर में सेक्स वर्कर का किरदार निभाया था। मैंने फिल्म इसलिए की क्योंकि ये जरूरी था कि सेक्स वर्कर के लिए लोगों को कैसे बुरा महसूस करा सके। हम उन्हें कितनी आसानी से जज कर लेते हैं और जिनका रेप भी किया जा सकता है, आखिरकार वो भी औरत है। उस किरदार में मुझे वो चीजें बहुत अच्छी लगी, लेकिन रेप सीन करते समय मैं बहुत बुरा महसूस कर रही थी। आपको बता दें, इस रेप सीन के बाद हुमा सदमे में चली गई थी, जिसके बारे में बताते हुए हुमा ने आगे कहा, मुझे याद है कि मैं अपने कमरे में वापस जा रही थी। मैं पूरे समय कपड़े पहने रहती थी और ये सब बनावटी था, लेकिन मैं जब घर वापस गई तो मेरे हाथ कांप रहे थे। आप इसे दूसरे इंसान के लिए महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप वहाँ हैं। मुझे गुस्सा आया क्योंकि आप उस इंसान को मारना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे बस बहुत गुस्सा आया था, मुझे खुद को बस किसी तरह से शांत करना पड़ा। वेल, हमारे आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं शिखा जैन, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।